वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष महा फरवरी 2020 का मासिक राशिफल, जो कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक है, उसके विषय में आपके सम्मुख चर्चा की जाएगी आज एक एक राशि की। लेकिन जैसा कि हर बार हम आपको राशिफल की चर्चा करने से पहले ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है उससे भी आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि इस ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ही आपके राशिफल का तैयारी होती है। तो आइए जानते हैं कि इस माह फरवरी में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है। तो सबसे पहले सूर्य, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मकर में संचार कर रहे हैं, अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, लेकिन 13 फरवरी 2020 को ये इस राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। वहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनने वाली है। मंगल वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी 2020 को ये अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह गुरु और सम ग्रह केतु के साथ होगी। बुध अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह, लेकिन 17 फरवरी 2020 को ये वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चालू करेंगे चलना, और 19 फरवरी को ये फिर पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में पूरे माह अपनी स्वयं की राशि जो इनकी धनु है उसी में इनका संचार होता रहने वाला है, तथा यहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल तथा सम ग्रह केतु के साथ होगी। शुक्र वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं मित्रों, लेकिन यह 2 फरवरी 2020 को अपनी उच्च राशि मीन में उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे, तथा 28 फरवरी को फिर ये दोबारा अपनी राशि चेंज करेंगे इस राशि को मित्र राशि को, और ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 2 फरवरी को तो आएंगे ये अपनी उच्च राशि मीन में, जो कि इनकी उच्च की राशि है उदय और मार्गी अवस्था में, और उसके द्वारा फिर उसी माह में ही 28 फरवरी को ये अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं मित्रों, मार्गी एवं उदय अवस्था में, और ये पूरे माह इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा, ये संचार अपना करते रहेंगे इसी राशि में पूरे माह। केतु भी पूरे माह अपनी उच्च की राशि धनु में इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं, और राहु भी अपनी मित्र और उच्च की राशि जो उनकी मिथुन है उसी में उनका संचार पूरे माह होता रहने वाला है। तो मित्रों, यह था आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। आगे चर्चा करेंगे मित्रों जो तुला राशि के जातक हैं उनका माह फरवरी 2020 का राशिफल कैसा जाने वाला है, क्या कहता है। सर्वप्रथम उनके व्यवसाय के विषय में चर्चा होगी। इस माह आपकी जो राशि के कुंडली में शनि का चतुर्थ भाव में अपनी राशि में होने से पंच महापुरुष शशियों का निर्माण हो रहा है मित्रों, तथा राहु का नवम भाव में उच्च की राशि में होना व्यक्ति के जीवन में अचानक भाग्योन्नति के अवसर पैदा करता है, तथा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग भी बनते हैं, मगर संघर्ष अधिक करना होता है। ऐसी स्थिति में चाहे आप व्यापार में हैं या रोजगार से जुड़े हैं, मानसिक कष्ट भी आपको रहने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन में बना हुआ है। चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति शनि के साथ होने से शनि के राजयोग से जुड़े शुभ फलों में भी कमी रहेगी जब तक सूर्य इनके साथ रहेंगे, और यह कमी माह के मध्य तक तो पूर्ण रूप से रहेगी। उसके पश्चात अशुभ फलों में कमी आएगी जब सूर्य अपनी राशि यहाँ से परिवर्तित करेंगे, निकलेंगे इस राशि से। तो मित्रों, इस माह अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार या रोजगार में आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तथा अपने कार्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से ही पूरा करना होगा। साथ ही जो आपके जूनियर हैं, यानी कि जो आपके अधीन हैं, जो लोग काम करते हैं आपके अंडर में, उनके जो आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, जो जूनियर स्टाफ आपका, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, उनके विषय में बात कर रहे हैं।
उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित बिल्कुल ना करें। यानी कि मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ कि जो व्यक्ति आपके व्यापार हो या रोजगार में आपके अधीन है, काम करते हैं आपके अंडर में, उनको किसी भी रूप में परेशान ना करें या उनके लिए परेशानी पैदा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए बहुत उचित होगा, अन्यथा उन्हें आप पूरा सहयोग भी दें, अन्यथा अगर उनका ख्याल भी रखें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में या अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करने में, अपने शुभ मतलब जो परिणाम वो प्राप्त होंगे आपको अपने कार्यों से, विभागीय कार्यों से, उनमें भी आपको परेशानी पैदा हो सकती है। हमने बहुत यहाँ पर खोल करके आपको बात को समझाने की कोशिश की है। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य के उपरांत आपकी आय में वृद्धि तो होगी मित्रों, उसके पहले आय सामान्य रूप से होती रहेगी और धन का कुछ हिस्सा आप संचय भी कर सकते हैं, ऐसा भी है, और आप अपने लिए घर मकान आदि का निर्माण भी करा सकते हैं, लेकिन आप सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण। प्रेम संबंध, बताना चाहेंगे मित्रों इस माह आपके प्रेम संबंधों में प्रगति तो होने वाली है, मगर ये संबंध सिर्फ मित्रता तक ही सीमित रह पाएंगे और मित्रता पूर्ण संबंधों में ही आरोप प्रत्यारोप मतलब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपों का भी दौर चलेगा। मित्रता तो होगी, मजबूत होगी, प्रगति भी होगी, लेकिन साथ ही एक साथ ये भी चीज़ चलती रहेगी, साथ साथ पैरेलल वे में आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर होते रहेंगे। महामध्य के पश्चात आपके ग्रहों का सहयोग न मिलने के कारण आपको आगे सफलता प्राप्त नहीं होगी। पारिवारिक संबंध, आपके पारिवारिक संबंधों में मित्रों किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होने वाली है, बीच बीच में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेदों के अतिरिक्त आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है इस माह, और महामध्य के उपरांत आपके जो बड़े भाई बहनों का भी आपको स्नेह और सहयोग दोनों ही प्राप्त होंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध भी सामान्य रूप से चलेंगे। शिक्षा, तो मित्रों इस माह जो छात्र हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी विशेषकर महामध्य के उपरांत। संतान, आपको अपनी संतान के प्रति बहुत ही स्नेह एवं प्यार की भावना बनी रहेगी आपके दिल और दिमाग में। उसका मुख्य कारण यह होगा कि आपकी संतान के द्वारा आशा से अधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करना। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य तो उत्तम बना रहने वाला है मित्रों, मगर अपने अपने मतलब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर उदासीन हुए तो आपके लिए शारीरिक समस्या बन सकती है। यानी कि अपने खाने पीने पर, दिनचर्या पर आप अपने ध्यान रखें। उपाय क्या किए जाएं कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं इस माह वो भी ना आए, तो उसके लिए आप शनि चालीसा का पाठ सायकाल को अगर प्रतिदिन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा शनिवार के शनिवार करें। हनुमान अष्टक का पाठ करें और उससे पहले सुंदरकांड का भी पाठ अवश्य करें नियमित रूप से। ये काम आपको नियमित रूप से करना है, हनुमान अष्टक का पाठ और उससे पहले सुंदरकांड का पाठ। ये बहुत छोटे छोटे उपाय करिएगा और लाभ प्राप्त होंगे इसके। तो मित्रों आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।